हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका मेरी एक और अन्य वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ OnePlus 9 स्मार्टफोन पर Android 12 को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसके रिव्यू के बारे में, क्योंकि यहाँ पर Android 12 में आप लोगों को क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आने वाले समय में इसका डेवलपर प्रीव्यू कंप्लीट होकर के आपको बीटा और स्टेबल के रूप में देखने को मिलेगा। उसमें आप लोगों को क्या कुछ चेंजेस के साथ में ऑक्सीजन OS 12 देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इसका जो डेवलपर प्रीव्यू 1 है, इसमें आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर आपको ऑक्सीजन OS 12 की स्किन देखने को मिलेगी, जो कि कलर OS के कोड के साथ में आएगी। फिलहाल में ये ऑफिशियल डेवलपर प्रीव्यू 1 है, जो कि OnePlus ने खास रिलीज किया था OnePlus 9 और 9 Pro डिवाइस के लिए। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहें तो आप अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल में आपको आगे बताऊं, इसमें आप लोगों को नेटवर्क एंड इंटरनेट का इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है सेटिंग्स के अंदर, जिसमें आप देखेंगे तो 5G अगर आपका कनेक्शन है वो कुछ इस तरीके से शो अप करता है। जब इसमें स्किन आ जाएगी तो आपको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ कनेक्टेड डिवाइस कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ऐप्स की बात करूँ तो ये इंटरफेस इस तरीके के साथ में और इसमें कुछ स्किन्स के साथ में आएंगे तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। बबल का फीचर्स फिलहाल में अभी भी काम नहीं कर रहा है। बैटरी इसकी काफ़ी ज़्यादा ठीक चल रही है, जैसा कि यहाँ पर चलती है, और उससे ज़्यादा बेटर आपको बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिलती है। फिलहाल में ये एक हॉट फिक्स वाला अपडेट था जो कि मैंने अपने OnePlus 9 पर इंस्टॉल किया हुआ है। इसी के साथ बात करूँ मैं साउंड्स के अंदर, इसमें आपको कोई भी साउंड्स में रिंगटोन वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं। इनमें अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डिवाइस के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आप टैप करेंगे तो आप देखेंगे सब कुछ आपको खाली देखने को मिलता है। आपको डाउनलोड करना होगा रिंगटोन्स को, उसके बाद यूज कर पाएंगे। वाइब्रेशंस के लिए कुछ इस तरीके के आपको ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर बात करूँ तो आपको ब्राइटनेस लेवल कुछ इस तरीके से कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ बग हैं ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने पर। एडेप्टिव ब्राइटनेस का भी फीचर्स आपको अवेलेबल देखने को मिलता है, जिसका आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, परंतु ये एक डेवलपर प्रीव्यू है तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलेंगे। केवल ये एक एक्सपीरियंस के लिए आप अपने डिवाइस पर यूज कर सकते हैं। इसी के साथ नीचे देखेंगे तो आपको कलर्स के अंदर कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनका आप सेटअप कर सकते हैं। आने वाले ऑक्सीजन OS 12 के साथ में यही कलर्स आपको अपने ऑक्सीजन OS की UI के साथ में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप कुछ कलर्स को और भी ज़्यादा इनहेंस करना चाहें तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। वॉलपेपर भी आपको खाली देखने को मिलते हैं, कोई भी वॉलपेपर्स इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, ना ही फोटोज के अंदर और ना ही आपको लाइव वॉलपेपर्स के अंदर देखने को मिलता है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको ये कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। फिलहाल में आपको जो भी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं वो सेटिंग्स और ज़्यादा एडवांस देखने को मिलेंगी जब ये आपका ऑक्सीजन OS 12 में स्किन के साथ में मर्ज हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी के अंदर आपको ये कुछ सिक्योरिटी पेच लेवल मे मंथ का देखने को मिल जाता है, परंतु आप देखेंगे कि यहाँ पर स्क्रीन लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप केवल पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। इसमें फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही डेड हैं, वो वर्किंग में नहीं है, उनका आप यूज नहीं कर सकते हैं। प्राइवेसी का इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। लोकेशन इंटरफेस कुछ इस तरीके से, साथ में अगर आप लोकेशन यूज कर रहे होते हैं तो उस दौरान ऊपर की तरफ आपको शो करता है ये कौन कौन सी लोकेशन आपकी ली जा रही हैं। जब आप कहीं पर कॉल कर रहे होते हैं तो उसका भी इंटरफेस ये जब लेता है तो उसमें भी आपको शो करता है कि ये क्या परमिशंस आपकी ली जा रही हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी कमाल की बात है। वोल्टी आपका वर्किंग में है, कॉलिंग वगैरह आप कंप्लीटली कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, और इसमें नोटिफिकेशन भी आपको सुनाई देगा और सामने वाली टीम को भी सुनाई देगा। सेफ्टी एंड इमरजेंसी की सेटिंग्स कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। पासवर्ड पर अगर आप टैप कर देते हैं तो ये सेटिंग्स आपकी फोर्स क्लोज हो जाती है, इस पर कोई भी तरीके का रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलता है। डिजिटल वेलबिंग का आप यूज़ करेंगे तो इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 12 के साथ में वैसे देखा जाए तो और भी ज़्यादा इनहेंस होकर के आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा ये फीचर्स। अगर आप सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर ये कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ पर सिस्टम अपडेट एंड्रॉयड 12 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जिसका आप
बेसब्री से इंतजार कर रहे थे देखने के लिए। साथ में रीसेट ऑप्शन पर आपको ये कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। इरेज डाउनलोडेड सिम का ऑप्शंस आपको जो है वो ई सिम वाला देखने को मिल जाता है। फिलहाल में ये फीचर्स आपको हाइड देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें ई सिम का ऑप्शन नहीं है वन प्लस 9 में कहीं से भी, तो इस कारण से ये ऑप्शंस आने वाले समय में हाइड हो जाएगा। अबाउट फोन सेक्शन के अंदर आपको आपके डिवाइस का नेम कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है और ये सेटिंग्स आप इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। बिल्ड नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर LE2110 देखने को मिलता है, यानी कि ये आपका वन प्लस 9 डिवाइस है। इसी के साथ अगर आप WhatsApp पर देखेंगे तो आपको WhatsApp का इंटरफेस कुछ इस तरीके का इसके अंदर Android 12 वाला देखने को मिल जाता है। रिसेंट पैनल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको इसकी जो सेटिंग्स है दो देखने को मिल जाती हैं, ऐप इन्फो और स्प्लिट स्क्रीन, इसके अलावा कोई और नहीं देखने को मिलती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ पर टैप करके आप उस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिस पेज पर आप होंगे। तो ये स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके का आपको क्रिएट कर देगा, उसका आप यहाँ पर सेव करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं। साथ में अगर व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज आपको आता है तो वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। इंटरफेस ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर आप रिप्लाई देना चाहें तो यहाँ पर आप टैप करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप रिप्लाई दे सकते हैं। इसका जो बिल्ड है वो फिलहाल में डेवलपर प्रीव्यू है, आने वाले समय में आपको जो इसका स्टेबल बिल्ड बीटा का आएगा फर्स्ट, वो आपको शायद है अक्टूबर में देखने को मिल सकता है या फिर नवंबर में देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर आपको ऑक्सीजन OS 12 भी देखने को मिलेगा जो कि कलर OS की कोडिंग के साथ में होगा। फिलहाल में आप देख सकते हैं इसमें जो पैनल है उसके अंदर ये कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। साथ में स्क्रीन रिकॉर्ड अगर आप करना चाहें तो इसके अंदर देखेंगे तो आप डिवाइस की आईडियो और माइक्रोफोन की आईडियो दोनों ही रिकॉर्ड करना चाहें तो वो ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी कमाल की बात है, जो कि आप अगर चाहें तो मैं इसमें BGMI का रिव्यू भी दूंगा जो कि आने वाले समय में आपको एक खास डेडिकेटेड BGMI का रिव्यू होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि यहाँ पर गेमिंग का एक्सपीरियंस कैसा देखने को मिल जाता है इस एंड्रॉयड 12 के साथ में। इसी के साथ आपको यहाँ पर पेंसिल पर टैप करने पर कुछ और सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। अगर आप डार्क थीम को सेटअप कर देते हैं यहाँ पर ला करके तो डार्क थीम फिलहाल में पूरी तरह से डार्क आपको ट्रू डार्क के नाम से नहीं देखने को मिलती है, वो ग्रेइश कलर के साथ में ही देखने को मिल जाती है, जो कि आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से डार्क आपको देखने को मिले, जो कि अभी फिलहाल में डेवलपर प्रीव्यू है तो इस कारण से ये सब कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इसे डेली ड्राइवर्स के तौर पर इंस्टॉल करना चाहें अपने डिवाइस पर तो उसके पर्पस से ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो इस कारण से आप अगर इसको केवल और केवल एक इंजॉयमेंट के पर्पस से इंस्टॉल करना चाहें तो आप अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स फिलहाल में मिसिंग हैं जो कि आप देख सकते हैं। मैंने तो केवल आपको रिव्यू देने की कोशिश की है, अगर रिव्यू में कुछ चीज़ों की कमी हो, आप अगर कुछ और जानना चाहें तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।